बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पास फिलहाल कोई खास फिल्में नहीं है, लेकिन उनके एक के बाद एक हॉट फोटोशूट सामने आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हार्पर बाजार मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया है। वो मैगजीन के मार्च इशू की कवर गर्ल बनी है। उन्होंने इसमें ब्राइडल वेयर में ज्यादातर फोटोशूट करवाए हैं। परिणीति ने इससे पहले भी कई मैगजीन्स के लिए फोटोशूट करवाए हैं। आइए देखते हैं परिणीति चोपड़ा की कुछ हॉट एंड सिजलिंग फोटोज। आप ये तो जानते ही होंगे कि रणबीर कपूर और कटरीना कैफ पहले रिलेशनशिप में थे, पर इस साल की शुरुआत में उनके बीच दूरियां आ गईं। उसके बाद से ये एक्स लवर्स रणबीर कपूर और कटरीना कैफ दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए। अब रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का एक साथ नया वीडियो सामने आया है। ब्रेकअप के बाद उनका ये पहला वीडियो है। अगर आप सोच रहे हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो ये सच है, लेकिन ये नजदीकियां केवल पर्दे पर ही हैं, ना कि पर्सनल लाइफ के लिए। दरअसल कटरीना और रणबीर स्टारर फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग का लास्ट शेड्यूल अभी बाकी था, लेकिन इस जोड़ी के ब्रेकअप की वजह से फिल्म की शूटिंग में देरी हो गई। अब जैसे तैसे दोनों साथ में शूटिंग करने के लिए राजी हुए हैं। टाइम सेलेबेक्स वेबसाइट के सर्वे में बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और बारबी गर्ल कटरीना कैफ ने पहला पायदान हासिल किया है। टाइम सेलेबेक्स के सर्वेक्षण में अक्षय ने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को टक्कर देते हुए पहला पायदान हासिल कर लिया है। अक्षय को जनवरी में कराए गए सर्वे में 27 अंक, जबकि अमिताभ बच्चन को 25 अंक, शाहरुख खान को 18.9 अंक, सलमान खान को 18 अंक और आमिर खान को 17 अंक मिले हैं। अभिनेत्रियों में कटरीना कैफ पहले नंबर पर रहीं। कटरीना को इस सर्वे में 21 अंक मिले, वहीं प्रियंका चोपड़ा 19 अंक के साथ दूसरे नंबर पर बनी रहीं। कंगना रनौत 18 अंक के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने फिल्मफेयर मैगजीन के लिए बेहद गॉर्जियस फोटोशूट करवाया है। ये फोटोशूट मार्च इशू के लिए करवाया गया है। मैगजीन के लिए आलिया ने डिजाइनर आउटफिट्स और अलग अलग एंगल से बोल्ड पोज दिए हैं। इसके पहले भी कई मैगजीन्स की कवर गर्ल बन चुकी हैं। बता दें कि उनकी फिल्म कपूर एंड सन्स 18 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म में उनके साथ फवद खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हैं। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम की फिल्म रॉकी हैंडसम का नया गाना ए खुदा रिलीज हो गया है। इस गाने में अभिनेता जॉन अब्राहम और अभिनेत्री श्रुति हसन के बोल्ड सीन्स भी देखने को मिलेंगे। गाने में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री भी दर्शकों को पसंद आ सकती है। फिल्म कथित तौर पर 2010 की कोरियाई फिल्म द मैन फ्रॉम नॉर्वे का एक रूपांतरण है। फिल्म रॉकी हैंडसम में श्रुति हसन और नतालिया कौर भी हैं। इस फिल्म में जॉन और कामत 2011 की फिल्म फोर्स के बाद एक साथ फिर से नजर आएंगे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।